जैन साथियों, इस देश में एक कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून। और उस कानून के बनने के बाद अब ये कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि इस देश में एनआरसी लागू की जाएगी, पूरे देश में एनआरसी लागू की जाएगी। ये है क्या एनआरसी? इसकी सच्चाई क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो खुद गृह मंत्री ने क्या कहा है एनआरसी के बारे में, वो सुन लीजिए आप। एनआरसी क्या है? कई बार लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को भगाया जाएगा देश से, और इससे जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दुष्प्रचार करने में मजा आता है। वो कहते हैं एनआरसी लागू करेंगे और मुसलमानों को इस देश से भगाएंगे, लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। और सच्चाई क्या है ये खुद गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से सुनिए। पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। सुन लिया आपने, यानी एनआरसी में हिंदू हो या मुसलमान, सबको अपनी नागरिकता साबित करने का कागज देना होगा, और जो कागज नहीं दे पाएगा वो देश से बाहर भगाया जाएगा। ये कौन कह रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि एनआरसी है क्या, क्योंकि अभी तक एनआरसी हिंदुस्तान में सिर्फ असम के अंदर लागू हुई, जहां पहले 40 लाख लोगों को एनआरसी रजिस्टर से उनका नाम बाहर कर दिया गया, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के लोग भी शामिल थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का परिवार भी शामिल था, जिसमें कारगिल के लिए लड़ने वाले सनाउल्ला भी शामिल थे, और जिसके अंदर लाखों की संख्या में प्रवासी जो वहां पे रहते हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल, अन्य राज्यों के लोग, वो भी शामिल थे, और भारी संख्या में हिंदू भी शामिल थे। ये है एनआरसी की सच्चाई। भाजपा के लोग, मनोज तिवारी जी, तमाम लोग ये कहते हैं ये तो गलत मुद्दा उठा रहे हैं, ये लोग तो अफवाह फैला रहे हैं, एनआरसी में तो पूर्वांचलियों को कुछ नहीं होगा, एनआरसी में तो यूपी बिहार वालों को कुछ नहीं होगा, एनआरसी में तो प्रवासियों को कुछ नहीं होगा। सुना है कि नहीं सुना है आपने? वो लोग कहते हैं हम अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई क्या है? ये आसाम के अंदर रहने वाले बिहार के, यूपी के लोगों के मुंह से सुनेगा। लेकिन एनआरसी से जले लोगों को सीएबी पर एतबार नहीं आ रहा। यूपी बिहार से गए हजारों प्रवासी ऐसे हैं जो एनआरसी में नहीं है, उन्हें क्या नागरिकता बिल से जगह मिलेगी? क्योंकि बिल तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करता है। यही नहीं, 71 से पहले बांग्लादेश से आए हिंदू भी हैं जो एनआरसी से बाहर हैं, वो नागरिकता के लिए ये कैसे साबित करेंगे कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ? संजय चक्रवर्ती, रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। गुवाहाटी से 2 घंटे पूर्व की ओर भूरा गांव में ये बिहार से आए प्रवासियों की बस्ती है। ये लोग सालों पहले यूपी बिहार से आए उन करीब 20,000 हिंदुओं में से हैं जो यहाँ काम के लिए आए, फिर असम में बस गए और अब एनआरसी से बाहर हो गए हैं। बीजेपी को सत्ता में लाने में इन लोगों की अहम भूमिका रही, लेकिन एनआरसी से बाहर होने के बाद अब वो ठगे से हैं। इनमें 55 साल के केशव चौहान भी हैं जो मजदूरी कर परिवार पालते हैं। दुख है, मन में बहुत दुख है। किस बात का दुख है? एनआरसी जो नहीं आया इसलिए तो दुख है, सबका आ गया। हाँ, हम लोग को जो मंत्री है वो तो जानता है, जो हिंदू लोग है नहीं जानता है। तो सुन लिया आपने, ये केशव चौहान जो आसाम में फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी आज अधर में लटक गई, जिनके जीवन पे संकट पैदा हो गया, एनआरसी रजिस्टर से इनका नाम बाहर हो गया, अब इनको अपने ही देश में विदेशी घोषित कर दिया गया, अपने ही देश में इनको घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। कौन है इनकी आवाज सुनने वाला? कौन इनको नागरिकता देगा? क्योंकि नया कानून CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, वो तो कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, इनको नागरिकता देंगे।
तो यूपी बिहार के जो लोग आज फंसे हैं आसाम में, जिनके पास कागज नहीं है, जिनका नाम एनआरसी रजिस्टर से बाहर हो गया, उन लाखों लोगों को नागरिकता कौन देगा? यही सवाल तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। वो अपने ही देश में विदेशी घोषित हो गए, वो अपने ही देश में घुसपैठिया घोषित हो गए, और अब अमित शाह क्या कह रहे हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। 72 साल की आजादी के बाद अब आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 72 साल की आजादी के बाद, जिस आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, शहीद खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया स्वतंत्रता संग्राम का, आज 72 साल के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप भारतीय हो, ये साबित करो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, ये साबित करो। आपको लगता नहीं है कि ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है? आपको लगता नहीं कि आपका अपमान है? एक भारतीय से 72 साल की आजादी के बाद पूछा जा रहा है कि तुम भारतीय हो कि नहीं, ये साबित करने के लिए कागज दो। किसके पास कागज है? 70% लोगों के पास आज की तारीख में कागज नहीं है। गरीब मजदूर के पास कहां कागज है? दलितों, पिछड़ों, शोषितों के पास कहां कागज है? कौन सी खतौनी है, कौन सी बाप दादा की संपत्ति उनके पास है, कहां से वो लाएंगे? कहा गया आधार कार्ड से बन जाएगी नागरिकता। इस पर फिर सुन लीजिए अमित शाह का बयान, वो साफ कह रहे हैं, सुनिए। आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिकता पहचानने में? ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती और आधार से तो जरा भी नहीं। आधार का एक अलग पर्पज है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाना ही चाहिए। सुन लिया आपने, आधार कार्ड से भी आपकी नागरिकता तय नहीं होगी। तो जो लोग, आप लोग ये बैठ के मौज से सोच रहे हैं कि आपको बख्श दिया जाएगा, इसमें तो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, हम क्यों बोलें, हम क्यों आवाज उठाएं, अरे ये सबके ऊपर मार पड़ने वाली है एनआरसी की। पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं आती है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। इस देश में मेरे दादा ने जन्म लिया, इस देश में मेरे पिताजी ने जन्म लिया, इस देश में मेरे माताजी ने जन्म लिया, इस देश में मेरे परिवार ने जन्म लिया, इस देश में हम पैदा हुए, इसी देश में हम पले बढ़े, आज हमसे भारतीय होने की नागरिकता मांगी जा रही है? इससे ज्यादा शर्मनाक और अपमानजनक कुछ हो सकता है क्या? तो आपको देना है, आप अपनी नागरिकता के लिए, भारतीय साबित होने के लिए कागज ले लेकर घूमो, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं इस बात के लिए, मैं भारतीय हूं और मरते दम तक भारतीय रहूंगा, मेरा परिवार भारतीय है और मरते दम तक भारतीय रहेगा, लेकिन हम किसी भी प्रकार का कागज किसी अमित शाह के सामने नहीं दिखाएंगे, अपने भारतीय होने का प्रमाण किसी अमित शाह को नहीं देंगे, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमको इस देश से निकाल कर दिखाओ। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।